हेलो व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए वेलकम बैक, और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है उनके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आज का हमारा लेसन होगा क्लास फोर के लिए। देखिए, बुक है बटरफ्लाई फॉर क्लास फोर। इसमें से लेसन टू हम देखेंगे, उसमें से एक पार्ट हम देखेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन होगा अ गर्ल इन अ फेयर, लेसन टू का पार्ट फोर, पेज नंबर 31। एक्टिविटी सेवन से स्टार्ट करेंगे हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीछे आने वाली नॉइज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिए। स्लीपी लुक्स अराउंड द फेयर, सी सीज द ह्यूज मेरी गो राउंड। सर्कल द नाउन इन द सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस में जो नाउन है उसे सर्कल करना है, गोल करना है। अंडरलाइन द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन, और उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, माने नाउन की जगह में लगे हुए हैं। नाउन और नाउन की जगह में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ये हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। उन वीडियोस की लिंक आपको मेरे चैनल पर या ऊपर कहीं मिल जाएगी, ज़रूर देखें। तो आइए करते हैं। देखिए, यहाँ लीपी नाउन है और उसके बदले जो वर्ड लगा है वो है शी। सी प्रोनाउन हुआ और ये हुआ नाउन। लीपी लुक्स अराउंड द फेयर, सी सीज द ह्यूज मेरी गो राउंड। नेक्स्ट वन, लिटिल लिपी हैज़ नेवर बीन टू अ फेयर, सो सी इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे। देखिए, यहाँ भी लिपी ही नाउन है और उसके बदले जो प्रोनाउन लगा है वो ये है। सुजॉय नाउन है और उसके बदले ये प्रोनाउन लगा है ही। लिपी'स फादर बाय हर अ डॉल, इट इज़ मेड ऑफ बर्न्ड क्ले। देखिए, यहाँ पे इट प्रोनाउन है और ये है वो नाउन। ये इट इसके लिए लगा है, उसके पापा के लिए नहीं लगा है, इसीलिए यहाँ जो नाउन है वो डॉल और ये है प्रोनाउन जो इस नाउन के लिए लगा है। लिपिस फादर भी नाउन ही है लेकिन ये इट इनके लिए नहीं लगा है, इसीलिए मैंने इसे सर्कल किया और ये प्रोनाउन इसके लिए है। उम्मीद करती हूँ आप समझ पा रहे हैं। आइए अगली एक्टिविटी देखते हैं। देखिए, लिपी सी सुजॉय ही फेयर इट, लिपी एंड सुजॉय के लिए दे लगता है, ये सारे प्रोनाउन हैं और ये नाउन। एक्टिविटी 8A, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। ये है हेल्प बॉक्स, अंडरलाइन वर्ड्स का सेम मीनिंग यहाँ से खोज के यहाँ लिखना है। वी सी वेरियस शॉप्स इन द फेयर, वेरियस मतलब होता है बहुत तरह के, तो देखिए डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट आप पूरा सेंटेंस लिखकर वहां इसे रिप्लेस कर सकते हैं। डिफरेंट स्पेलिंग आप सही लिखे, आप इसे ना लिखकर डिफरेंट को यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे है स्पेलिंग, रीनी इज डिलाइटेड टू सी हर फ्रेंड। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना और ग्लैड का मतलब भी होता है खुश होना, तो इसे हटाकर हम यहाँ ग्लैड लिख सकते हैं। ग्लैड। ह्यूज रॉक आर फाउंड अंडर द सी। ह्यूज, ह्यूज मैंने होता बहुत बड़े, बड़े का यहाँ पे लार्ज ऑप्शन हो, थ्री नंबर लार्ज। ह्यूज को हटा के आप लार्ज लिख सकते हैं। लार्ज रॉक्स आर फाउंड अंडर द सी। और आखिरी है द फुटबॉल मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। स्टार्ट मतलब होता है शुरू होना और बिगिन का मतलब भी होता है शुरू होना, तो स्टार्ट को हटाकर हम यहाँ बिगिन लिख देंगे। आइए अगली एक्टिविटी देखते हैं।
एक्टिविटी 8B आज के वीडियो की ये आखिरी एक्टिविटी है. मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड. अग्रीज, बॉस अग्रीज विथ टॉम, कोई भी नाम लिख सकते हैं. एक्सक्लेम्स, सी एक्सक्लेम्स व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज इट. क्राउड, देयर इज अ ह्यूज वर्ड, ह्यूज क्राउड इन द फेयर. फोक, बाउल्स आर फोक सिंगर ऑफ बंगाल. ये सेंटेंस मैंने बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लिखें, आप इससे अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं. उम्मीद करती है वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, एक्टिविटी आप लोग को समझ में आई होगी. अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इनकी ज़रूरत है शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और हाँ, इससे आगे की एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.